बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोहरावे की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रब रब की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती के थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। तो सोनाबाई के जो चार लड़के, चार जो बच्चे थे, उन्होंने अपनी करामत दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक हमने देखा था, अब देखेंगे आगे। मैं इसके पहले ही उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। अब क्या हुआ है, जो लड़की कथकली डांस कर रही थी उसने क्या किया है, लेखक की जो दवा की बोतल थी उसे क्या किया है, नीचे गिरा दिया है। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा और फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। तो यहाँ पे एक बात पता ही गई है, वो दवा की जो बोतल थी वह गिर गई है। लेकिन सोनाबाई को गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा जताती भी है लेकिन फिर से हंसती है, और यानी वो क्या करती है, अपने गुस्से को दबा देती है वहां पे और बोलती है, क्या बोलती है लेखक से, कि भैया दवा गिरना शुभ होता है, यानी आप अब बिल्कुल भी अच्छी तरह से ठीक ठाक होके घर में आ जाओगे। दवा गई समझो बीमारी गई, यानी शीशी की जो है बोतल है जो अब वो टूट गई है, तो आप आपको क्या समझ में आया, ये शकुन है, ये अच्छा शकुन शकुन है कि क्या है कि आप अच्छी तरह से ठीक हो जाओगे और घर वापस आओगे। ऐसे सोनाबाई वहां पे अपनी राय देती है। इसके 2 घंटे के बाद सोनाबाई गई, यानी यह जो तमाशा था वो 2 घंटे तक अस्पताल में चल रहा था और ये सारा तमाशा लेखक झेल रहा था। यह कहकर कि फिर आऊंगी, मैं भीतर तक कांप गया और जाते जाते उसने एक बोल दिया है कि क्या बोला है, कि मैं फिर आऊंगी। और जैसे ही वो फिर आएगी उसके 4 बच्चे फिर आएंगे और फिर से नया तमाशा वहां पे होगा। और उसके बारे में सोचकर लेखक और भी ज्यादा डर गए हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। तो अब क्या हुआ है, शायद लेखक को अब मिलने के लिए आ गए हैं, लोग आ गए हैं, लेकिन कहां से आ गए हैं, दूसरे गांव से वो आ गए हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। तो वहां पे देखो अब क्या हुआ है, वहां पे लेखक को मिलने के लिए शायद लेखक को लगता है कि शायद मुझे मिलने आया है। क्यों, क्योंकि वह जो टैक्सी थी वो लेखक के कमरे के सामने ही आकर रुक गई है। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रख कर औंधा पड़ रोने लगा, औंधा यानी उल्टा, और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। तो क्या है, जैसे ही एक आदमी आया है, लेखक से मिलने आया है शायद, तो आता है, लेखक को देखता भी नहीं, आता है और लेखक को बहुत चिपक चिपक जाता है और जोर जोर से रोने लगता है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, सत्यानाश हो, इस तरह से भली बुरी बातें वो कहने लगा है। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्यों, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा और बहुत देर तक, यानी अभी तक उसने लेखक का मुंह देखा ही नहीं, आया है और लेखक ने उसे लपेट लिया है और जोर जोर से वह रोने लगा है। फिर रोना कुछ कम हुआ, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। तो क्या हुआ है, बहुत ज्यादा आया है, दूर गांव से आया है, आने के बाद लेखक को उसने लपेट लिया है और जोर जोर से रोने लगा है, बहुत रोने लगा है। रोने के बाद उसने क्या किया है, लेखक को देख लिया है और जैसे ही लेखक का चेहरा वो उसने देखा है, वो बिल्कुल भी शांत चुपचाप हो जाता है। क्यों हो जाता है, आगे देखेंगे। उसने मेरे छाती से गर्दन हटाई और मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना मैं गलत कमरे में आ गया था। यानी जान पहचान बिल्कुल भी नहीं थी, लेखक की जान पहचान बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी लेखक का चेहरा वो बिल्कुल भी देखता नहीं है। इसी के कारण क्या हुआ था,
उसको बहुत ज्यादा गलत फहमी हो गई थी, जाना था किसी और आदमी को और मरीज को देखने, लेकिन वह आया था लेको के कमरे में और लेको को ही लपड़ कर रोने लगा था। यानी जाना था किसी और को देखने लेकिन आया था किसी और कमरे में, जान पहचान बिल्कुल भी नहीं थी उसकी। आजकल लोग ठीक से बताते तो भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है, तो वह जो आदमी है वह अग्रवाल से मिलने नहीं आए थे, तो वह आए थे गुप्ता जी से मिलने, जो लेखक के बगल यानी पास वाले कमरे में मरीज बनकर था। अच्छा भाई माफ कर, जो आया था वो बहुत ज्यादा रोया था, लेकिन जाने के बाद उसने लेखक को अच्छे से एक स्मित बोलिंग उसे स्माइल दिया है और वहां से चला गया है, क्योंकि गलत फहमी का शिकार हुआ आदमी हो गया था, कहकर चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी, और जिस तरह से वहां पे लेखक को रो रहा था, लेखक को पास में लेकर रो रहा था, और उसी प्रकार अब क्या हुआ है, वह आदमी गुप्ता के कमरे में गया है और उसी प्रकार का रोना धोना फिर से उस कमरे को लेखक को सुनाई दे रहा है। यानी झूठे हमदर्दी दिखाने के लिए वो भी आया था। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, तो क्या है कि उस आदमी पर गुस्सा था ही था, लेकिन साथ ही साथ लेखक अपनी पत्नी पर भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। क्यों हो गए थे देखेंगे आगे। इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। तो पत्नी ने एक महान कार्य किया था। क्या किया था? उसे लगा कि वह जो आदमी है शायद रिश्तेदार होंगे या लेखक के मित्र होंगे, इस बात की गलतफहमी का शिकार वो भी हो गई, और उसने क्या किया था, टैक्सी वाले के पैसे दे दिए थे। यानी वह जो गुप्ता को देखने के लिए आया था उसका आना जाना फ्री में हो गया था, क्योंकि पत्नी ने उसके पैसे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वो लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। तो कभी कभी ऐसे भी लोग आते हैं कि जिन्हें हम उम्र भर उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं, तो वो भी आएंगे, तो उन्हें आकर देख तो बहुत अपने बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद, नाम क्या है कवि का, श्री लपकानंद। चेहरा उसका देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते है अग्रवाल यानी लेखक, फिर भी लेखक मरीज है तो वह वहां पे आ गया है। क्यों आया होगा, अब कवि है तो समझ लेने वाली बात होगी, शायद कविता पढ़ाने की या कविता सुनाने के लिए आया हो या कुछ बात होगी। उनकी बेतु की कविताओं से सारा शहर परेशान है, तो समझ में आता है वो जो कविता करते हैं वह बेतु की होती है, ताल नहीं होता है, लय नहीं होता है, कोई भी शब्द कैसे भी किस तरह से भी वो वाक्य में जुड़ा देते हैं और कविता बनाएंगे, उसे बोलेंगे बेतु की, ताल लय न होने वाली कविता। और क्या है कि सारा शहर परेशान है, यानी जैसे ही श्री लपकानंद को लोग देखते हैं भाग जाते हैं। यानी लपकानंद क्या करते होंगे, जो भी आदमी आता है उसको क्या करते हैं, अपनी कविता सुनाएंगे, इस तरह से जबरन कविता सुनाएंगे। इसलिए जब देखते हैं लपकानंद को तो सारे व्यक्ति क्या करते हैं, कुछ काम इस तरह से बोल के वहां से भाग जाते हैं। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ, यानी कवि भी ऐसे ही करते हैं, जब लपकानंद सामने आते हैं तो क्या करते हैं, कवि भी दूर कहीं जाते या भाग जाते हैं, उसके सामने बिल्कुल भी नहीं आते हैं, कारण होगा कुछ तो। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे, यानी कविताएं बनाते हैं लेकिन अच्छी नहीं, बेतु की कविताएं होती है, सुना नहीं जाता है, फिर भी क्या करते हैं, उस आदमी को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, उसे बिठाते हैं और कविता सुनाएंगे। कितनी, एक दो नहीं, 20, 10, 20, 30 जितने भी लिखी है वो सारी की सारी उस आदमी पर थोपने लगते, यानी जबरन सुनाते हैं। एक दिन बगल में झोला दबाए आंख पहुंची, तो साहब जी ने क्या, लपकानंद अब कहां पे है, अब बोलो लपकानंद अब कहां पे है, तो अग्रवाल जी के सामने आ गए हैं। अग्रवाल जी अब भाग नहीं सकते हैं, पैर उनका टूट गया है। आते ही कहने लगे,
दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। ये बिल्कुल भी झूठी बात ही है। व्यस्त व्यस्त कुछ नहीं, नाटक कर रहे हैं। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। यानी कितना झूठ बोलता है कि एक तो कवि है, बोलता है कि मैं सम्मेलन में था, व्यस्त था, और उस सम्मेलन में मैं क्या कर रहा था, तो आपके बारे में सोच रहा था। यानी वहां पे वो बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे, ये बात हमारे सामने आती है। अगर सम्मेलन में होते तो लेखक के बारे में क्यों सोचते, लेकिन वो बोलते है कि मैं सम्मेलन में था और साथ साथ आपके बारे में सोच रहा था। यानी झूठ बोलते ही कवि के लेखक के मन में, लेखक को समझ में आ गया है। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। तो क्या है, अब वहां पे उन्होंने भी नींद नहीं आई, लेखक के कारण मुझे नींद नहीं आई है, और उस नींद के कारण ही मैंने क्या किया है, एक कविता बना दी है। ऐसे बोल रहे हैं लक्कानंद। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। यानी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अस्पताल है, मरीज है, उसे देखने के लिए आए हैं, उसके हालात उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पूछा है। तो उन्होंने क्या किया है, आते ही अपने झोले से, अपने थैले से एक नोटबुक निकाली है, उसमें कविता है। तो आते ही उन्होंने क्या किया है, हाल बिल्कुल नहीं पूछे, कविता सुनाने के लिए बैठ गए है। कविता की बोल देखो क्या है। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। अब समझ में आता है कि इस तरह से कविता लिखने वाले कौन पसंद करेगा सुनना। तो नींद, रात भर नींद नहीं आई, रात भर, और बनाई कितनी लाइनें, सिर्फ 3 लाइन। तो समझ में आता है कि श्री लक्कानंद जो कवि थे वो किस तरह की कविता करते थे। बेतुकी की कविता थी, इसलिए सारे लोग उनसे परेशान थे, सामने देखते ही लोग भाग जाते थे। कविता सुनाकर वो मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और चेहरे पर भाव उमड़ गया था। कविता जब सुनने पूरी कविता खत्म हो गई और एक लहर थी उनके चेहरे पर, दौड़ जो सामने दिखाई दे रही थी कि आप ऐसे कैसी रही कविता। यानी कविता बेतुकी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी हम बता सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है, लक्कानंद को लगता है कविता बहुत ही अच्छी थी। और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। यानी हम दर्द जताने के लिए नहीं आए हैं, तो खास करके उनकी कविताएं सुनाने के लिए आए हैं। शायद कोई नहीं मिला, लेखक है, मरीज है, टांग टूटी है, भाग नहीं सकते है, सारी कविताएं उन्हें सुनाऊंगा, उनकी वाहवाह मैं ले लूंगा, ये सारी बातें सोचकर लक्कानंद उनसे मिलने आए थे। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनाने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। तो यहाँ पे एक अलग बात हो गई है, जब भी हम मरीज को देखने जाते हैं तो मरीज को कुछ खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, यहाँ पे उल्टी बात हो गई है। वहां पे क्या क्या है, अग्रवाल जी ने लक्कानंद को चाय पिलाई है और उन्हें वहां से विदा, यानी उन्हें वहां से बाहर भेज दिया है। क्या कहकर, एक वादा किया है कि जब भी मैं ठीक हो जाऊंगा मैं आपके पास आऊंगा और आपकी कविताएं सुनूंगा। इस तरह से वादा हो गया है और वो वहां से उन्होंने भेज दिया है लक्कानंद को। कविता सुनाकर वो मुझे ऐसे, अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर मुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना नहीं जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं, ये हमदर्दी जताने वाले। तो लेखक भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरी एक तो टांग टूटी है, परिचित लोगों के पास ही टूटी है, हमदर्दी जताने के लिए आ गए है, रहने दो, लेकिन फिर से अगर मेरी टांग टूट जाए तो मुझे फिर से कोई किसी बात का फ्रैक्चर मेरा हो गया है तो मुझे क्या करना है, हे ईश्वर, जान अपरिचित लोगों के पास, ताकि ये जो हमदर्दी दिखाने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल भी न आ सके, मुझे अच्छी तरह से आराम मिल। इस तरह से यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। यानी कवि ने बड़े ही अच्छे रोचक ढंग से समझाया है कि अगर हम किसी अस्पताल में जाते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है, उसे हमें करना चाहिए। बच्चों, बुजुर्ग व्यक्ति ही जाना चाहिए, छोटे
बालक बालिकाओं को नहीं लेके जाना चाहिए और कुछ भी जो नियम होते हैं उस नियमों के अनुसार ही हमें अस्पताल में जाना चाहिए। ये सारी बातें लेखक ने हमें हास्य व्यंग लेखन के माध्यम से हमें यहाँ पे समझाया है। अब देखेंगे हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। सूचना के अनुसार जो पहला प्रश्न है वह है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। पहला है मरीज से मिलने वाले के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। पहला लिखोगे सिर्फ औपचारिकता निभाने, सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। दूसरा लिखेंगे केवल सूरत दिखाने आते हैं, केवल सूरत दिखाने आते हैं। तीसरा मोहल्ले वाले फुरसत से आते हैं, चौथा इन्हें हमदर्दी नहीं होती है, इन्हें हमदर्दी नहीं होती है। प्रश्न पहला चार आंसर रहेंगे उसके। अब दूसरा जाएंगे अंतर स्पष्ट कीजिए, प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल। प्राइवेट अस्पताल का पहला लिखेंगे मरीज के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। प्राइवेट अस्पताल का ही दूसरा प्राइवेट अस्पताल का ही मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता। सार्वजनिक अस्पताल उसका जवाब लिखेंगे मरीज के लिए सुविधाओं का अभाव होता है। जनरल वार्ड
मिलने का निश्चित, जनरल वर्ड में लिखेंगे, मिलने का निश्चित समय होता है। मिलने का निश्चित समय होता है। तीन नंबर का देखेंगे, आकृति में लिखिए, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। इसमें पहला लिखेंगे, कुर्सी पर चढ़ना, कुर्सी पर चढ़ना। दूसरा, मेज पर चढ़ना, मेज पर चढ़ना। तीसरा, छोटी लड़की का, तीसरा छोटी लड़की का दवा की शीशी लेकर, दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करना, कथकली डांस करना। आखिरी चौथा लिखेंगे, एक लड़का लटकती टांग के साथ, एक लड़के का, इस तरह से लिखोगे, एक लड़के का लटकती टांग के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना। चौथा रहेगा, कारण लिखिए। इसमें से पहला है, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। इसका आंसर लिखोगे, क्योंकि उसने कोई रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को किराए के पैसे दे दिए थे। दूसरा, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहां कोई परिचित न हो, क्योंकि परिचित जगह लोग मरीज को देखने के नाम पर
तंग करते हैं, तंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच, सवाल नंबर पांच, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उन्हें बोलेंगे चिड़ियाघर या प्राणी संग्रहालय। चिड़ियाघर या प्राणी संग्रहालय। दूसरा, जहां मुफ्त में भोजन मिलता है इसे बोलेंगे अन्न छत्र दूसरा रहेगा लंगर, लंगर। सवाल नंबर छह, शब्द बनाइए। यहां पे उपसर्ग दिया है और प्रत्यय शब्द, शब्द दिया है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग हम किसे कहेंगे, थोड़ा सा व्याकरण यहां पे लेती हूं। शब्द होता है जो शब्द के पहले शब्द हम जोड़ते हैं उसे उपसर्ग बोलते हैं। जैसे कि यहां पे है, यहां पे उन्होंने हमें दर्द यह शब्द दिया है, तो दर्द से एक शब्द जो रहेगा मीनिंगफुल अर्थ अर्थपूर्ण शब्द होगा। जैसे कि बेदर्द, तो बे यह हो गया हमारा उपसर्ग। और प्रत्यय है, प्रत्यय क्या होगा, तो शब्द के बाद जो भी शब्द हम जोड़ेंगे उसे बोलेंगे हम प्रत्यय। तो यही देखेंगे, दर्द है, दर्द बे है, बे उपसर्ग रहेगा। लिखोगे पहले जो ब्रैकेट है वहां पे बे लिखोगे यानी बेदर्द। और प्रत्यय है, दर्द शब्द दिया है, शब्द के बाद आएगा नाक शब्द जोड़ेंगे दर्दनाक। प्रत्यय शब्द कौन सा रहेगा यहाँ पे हमारा नाक। दूसरा शब्द दिया है निश्चित शब्द दिया है, यहाँ पे अ जोड़ेंगे उपसर्ग के, उपसर्ग के ब्रैकेट में अ जोड़ेंगे, शब्द बनेगा अनिश्चित, अ जोड़ना है। उसके बाद निश्चित है, प्रत्यय है, प्रत्यय के ब्रैकेट में ता लिखेंगे, निश्चितता। इस तरह से शब्द होगा उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द के पहले जोड़े जाने वाले शब्दों को उपसर्ग बोलेंगे, शब्द के बाद जोड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय बोलेंगे। बेदर्द दर्दनाक, अनिश्चित अनिश्चितता। व्याकरण देखेंगे धीरे धीरे, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन पूरा स्वाध्याय यहाँ पे हम आज खत्म करेंगे। भाषा बिंदु, जो नौवीं कक्षा में बहुत ज्यादा हमने लिया है वही होगा, लेकिन बाद में उसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। अब संज्ञा के बहुत सारे भेद है, बाद में स्टेप बाय स्टेप उसे हम देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा आंसर लेंगे सिर्फ। सोनाबाई अपने चार बच्चों के साथ आई, या फर्स्ट पहला रहेगा सोनाबाई। सोनाबाई शब्द रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सोनाबाई शब्द रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, उसी वाक्य में शब्द है बच्चों, वहां पे अंडरलाइन करना है बच्चों। वह शब्द रहेगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा वाक्य, गाय बहुत दूध देती है, गाय पे अंडरलाइन करोगे, रेखांकित करोगे उस शब्द को, गाय रहेगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, दूध अंडर
अध्ययन करोगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा वाक्य है, मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। यहाँ पे ईश्वर शब्द है, ईश्वर पे रेखांकित करोगे, यह शब्द रहेगा जाति वाचक संज्ञा। जाति वाचक संज्ञा। प्रार्थना शब्द पे रेखांकित करोगे, इसका जवाब रहेगा भाव वाचक संज्ञा। भाव वाचक संज्ञा। चौथा सेंटेंस वाक्य रहेगा, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। यहां पे दो शब्द अंडरलाइन आपको करने हैं, सैनिकों, सैनिकों शब्द रहेगा जाति वाचक संज्ञा। जाति वाचक संज्ञा। टुकड़ी समूह वाचक संज्ञा। समूह वाचक संज्ञा। पांचवा सेंटेंस, सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। सोने चांदी शब्द को रेखांकित करोगे, यह शब्द रहेगा द्रव्य वाचक संज्ञा। द्रव्य वाचक संज्ञा। छठा सेंटेंस वाक्य, गोवा देख में तरंगायित हो उठा। इस वाक्य में गोवा पे हम रेखांकित करेंगे, गोवा शब्द रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। सातवां वाक्य, युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। यहां पे गीत करोगे, इसका जवाब रहेगा जाति वाचक संज्ञा। जाति वाचक संज्ञा। दल शब्द पे अंडरलाइन करोगे, रेखांकित करोगे, समूह वाचक संज्ञा। समूह वाचक संज्ञा। आठवां वाक्य रहेगा, आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। यहां पे रहेगा विदेश शब्द पे अंडरलाइन करोगे, इसका जवाब रहेगा जाति वाचक संज्ञा। जाति वाचक संज्ञा। नौवां सेंटेंस वाक्य, इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। कहानी शब्द पे अंडरलाइन, इसका जवाब रहेगा जाति वाचक संज्ञा। इस वाक्य में दूसरा शब्द है समाज, समाज पे रेखांकित करोगे, समूह वाचक संज्ञा। समूह वाचक संज्ञा। चित्रण, चित्रण। भाव वाचक संज्ञा। भाव वाचक संज्ञा।
दसवां वाक्य रहेगा, सागर का जल खारा होता है। सागर शब्द पे रेखांकित करोगे, इसका जवाब रहेगा जातिवाचक संज्ञा। जल दूसरा शब्द है इसी वाक्य में, द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रश्न क्रमांक दो है, पाठ में प्रयुक्त किन्हीं पांच संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको शब्द देती हूँ, आपको उसके सेंटेंस बनाए हैं, सीधे सेंटेंस आपको बनाए होंगे। शब्द लिखोगे पहला साइकिल, हर छात्र के अलग अलग सेंटेंस होंगे, साइकिल सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा शब्द है जोश, तीसरा शब्द रहेगा रेत, चौथा रहेगा आत्मा, पांचवा शब्द रहेगा बंदर, बंदर। इसके आपको सेंटेंस बनाने हैं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए। जो हमने नौवीं क्लास में ही पढ़ा है, थोड़ा सा आ गया है, वे तुम मुझे उन्होंने आपने, सारे हमारे सर्वनाम शब्द रहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यमवाचक, जो हमने पढ़ा है, समय के अनुसार हम उसे भी ले लेंगे। फर्स्ट रहेगा सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है, वहां पे जो पहला ब्रैकेट है वहां पे लिखोगे वे। दूसरा जो रिक्त स्थान है, तुम बाजार जाओ, वहां पे लिखोगी तुम। तीसरे रिक्त स्थान में हम कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। चौथा इसे लेकर रिक्त स्थान क्या करोगे, वहां पे शब्द डालोगे तुम। अब वाक्य इस तरह से बनेगा, इसे लेकर तुम क्या करोगे। पांचवा शब्द है हृदय, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान उदार हो, तो वहां पहले ब्रैकेट में वहां पे रहेगा हृदय वही है, वही है। दूसरा रिक्त स्थान तुम। अब वाक्य बनेगा हृदय वही है, तुम उदार हो। छठा वाक्य, लोग कमरा स्वच्छ कर रहे हैं, यहां पर रहेगा स्वयं, स्वयं। सातवां रिक्त स्थान, रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया है, यहां पे रहेगा रिक्त स्थान में शब्द यह, यह रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया है। आठवां वाक्य, इसके बाद लोग दिन भर पणजी देखते रहे, जो रिक्त स्थान है वहां पे शब्द आएगा हम। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी देखते रहे। इस नौवां वाक्य, इसके पहले उसे मना करता, वहां पे शब्द रहेगा इससे, इससे, इसके पहले उसे मना करता। दसवां वाक्य, काम करने के लिए कहा है, रिक्त स्थान करो, रिक्त स्थान में आएगा शब्द वही। काम करने के लिए कहा है वही करो।
प्रश्न क्रमांक चार भाषा बिंदु। पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द रहेगा मैंने, इसके वाक्य आपको बनाने हैं इसलिए शब्द दे दियो, वाक्य आप बनाओगे। दूसरा शब्द वे, तीसरा शब्द आप, चौथा शब्द उन्होंने, पांचवा शब्द मुझे, अगला शब्द मुझसे, नेक्स्ट शब्द उनसे, तो ये जो शब्द है उसके आपको वाक्य बनाने हैं। उपयोजित लेखन, जो नौवीं कक्षा में हमारा हुआ है समारोह का वृत्तांत लेखन हमने पढ़ा है, वृत्तांत लेखन हमने पढ़ा है वही है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी समारोह का वृत्तांत लेखन कीजिए। दिया है उन्होंने क्या क्या दिए हैं, पांच देखो मुद्दे दिए हैं, स्थान, तिथि और समय, प्रमुख अतिथि, समारोह, अतिथि संदेश और समापन। तो एक देते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं अभी लिखोगे पैराग्राफ। डॉक्टर सुधाकर राव, डॉक्टर सुधाकर राव जाधव माध्यमिक विद्यालय कॉमा माध्यमिक विद्यालय कॉमा सातारा में चौदह सितंबर 2019 को सुबह आठ बजे हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय के छात्रों ने अध्यापकों के मार्गदर्शन में कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह की अध्यक्षता स्थान पर
हमारे संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर राम जाधव थे। पैराग्राफ कार्यक्रम का आरंभ प्रार्थना और दीप प्रज्वलन से किया गया। कार्यक्रम का आरंभ प्रार्थना और दीप प्रज्वलन से किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सौ पाटिल मैडम ने सर जी का स्वागत गुलाब पुष्प और किताबें देकर किया। उसके बाद हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता कहानी कथन प्रतियोगिता कॉमा हिंदी अंताक्षरी ऐसे कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया। डॉक्टर जाधव सर ने किया। उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी यह राष्ट्रीय एकता का सूत्र है। ऐसा कहकर उदाहरणों के साथ स्पष्टीकरण दिए। राष्ट्रभाषा का आदर और सम्मान
करने का संदेश उन्होंने छात्रों को दिया राष्ट्रगान के साथ ठीक सुबह 11 बजे हिंदी दिवस का समारोह संपन्न हुआ।